द्वंद युद्ध इज अ डिवाइन आर्ट, आध्यात्मिक कला, और पूरा द्वंद युद्ध में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप की जो डिटेल है वो पूरा विस्तार के साथ समझा रहा हूँ। प्रथम जो प्रक्रिया है द्वंद युद्ध की वो है नमस्कार। नमस्कार में तीन बात को ध्यान में लेना है, एक तो छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथ की हथेलियाँ मिली हुई, पूरा शरीर सीधा, पैर की सावधान की स्थिति, दोनों पैर पीछे से मिले हुए आगे से खुले। अब जो अंतर जगत की प्रक्रिया करनी है वो इस तरह से करनी है, एक तो आपको सांस उच्छ्वास पर ध्यान देना है और उसको बैलेंस करना है, अगर इम्बैलेंस हो गया है सांस उच्छ्वास तो उसे बैलेंस कर देना है एक। फिर आपको ध्यान ले जाना है त्रिनेत्र पर, बंद आंखों के साथ त्रिनेत्र पर ध्यान करना है, तीन बातों को दर्शन कर लेना है, कैसे विचारों की श्रृंखला चल रही है, एक कैसा भाव है, मूड कैसा है, टाइप ऑफ मूड वॉच कर लेना है, और शरीर की संवेदना, पूरे शरीर की संवेदना किस तरह की है। जब तुम प्रारंभ करो द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ करो उससे पहले ये प्रक्रिया में से निकलना है, तो सांस पर ध्यान देना है, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने देना है। उसके बाद जो ध्यान केंद्रित करना है वो त्रिनेत्र, और जब आप आँखें खोले प्रारंभ में उससे पहले आपको आधी आँख खुली आधी आँख बंद नासिका पर ध्यान देना है, नासिका का जो अग्रभाग है उस पर ध्यान देना है। ये जब प्रारंभ करें द्वंद युद्ध का जो प्रथम प्रक्रिया है द्वंद युद्ध की वो है पंजा लड़ाना। जनरली हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। जब आप पंजा लड़ाने का जो पहला भाग है वो है, मेरा समझ लो अभी मैं राइट हैंड के साथ, देखो अभी मैं मेरा राइट हैंड से पंजा लड़ा हूँ, लेफ्ट, अब मेरा हार्ट यहाँ है तो अभी जो प्रभावित होगा वो मेरा हार्ट के साथ जुड़ा हुआ राइट मसल्स, उसकी वेन आर्टरी दोनों जो ब्लड ले जा रहे हैं और ब्लड को वापस खींच रहे हैं वो दोनों प्रभावित होंगे इस पे। और ये प्रक्रिया ऐसी है कि हार्ट के जो सूक्ष्म फाइबर है ये इस प्रक्रिया में तैयार होते हैं, समझ लो कि ये प्रक्रिया मैं कर रहा हूँ, तो इसका प्रभावी क्षेत्र है हार्ट, हार्ट से प्रारंभ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली हार्ट ही इसमें प्रभावित होता है, धीरे धीरे हार्ट का संबंध पूरे शरीर के साथ, ये प्रक्रिया को अगर ठीक से किया गया तो हार्ट में से जो भी ब्लड बहता है पूरे के पूरा शरीर इसमें प्रभावित होता है। एक और चीज है इसमें, ये प्रक्रिया इम्बैलेंस है, समझ लो कि इसमें खाली राइट, अभी पहले जो हम प्रतिस्पर्धी के साथ में काम कर रहा हूँ तो राइट हैंड से काम कर रहा हूँ, तो खाली राइट मसल्स है, हार्ट का राइट मसल्स है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा और उसमें से शक्ति बहेगी, और जितनी भी ताकत है इसमें हार जीत नहीं देखना है, जितनी ताकत है मेरे शरीर की, समझ लो कि ये मेरा हाथ गिरा भी रहा है, गिर रहा है हाथ, लेकिन जब तक मेरे शरीर की ताकत है मुझे इसको बैलेंस करना है, निकालनी है पूरी की पूरी ताकत है वो निकालनी है। इसके साथ हम फिजिकल देखें तो ये जो शोल्डर है, ये जो शोल्डर का पार्ट है जहां भी जॉइंट्स है, समझ लो शोल्डर, बाहर के मसल्स हम देखें तो शोल्डर, कोणी, फिर पंजा जहां से जुड़ता है और पूरा पंजा, पंजा का एक एक मसल्स वो भी इसमें प्रभावित होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब पूरी ताकत, समझ लो कि मेरी ताकत जब पूरी हो रही है तो मुझे समाधान कर देना है, फिर से मैं अंतर्मुख हो जाऊंगा, ध्यानस्थ हो जाऊंगा, ये प्रक्रिया ठीक से समझनी है। अब उसी का ही लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट साइड से पंजा लड़ाया लेफ्ट हैंड साइड, अब जो
अब हार्ट हार्ट का जो लेफ्ट मसल्स है, मेरा हार्ट यहाँ है, तो राइट में आप देखोगे तो वो ज़्यादा दूर है, उसका मसल्स की जो कैपेसिटी है राइट, क्योंकि हार्ट है लेफ्ट साइड में और मसल्स जा रहा है राइट साइड। अब जो हार्ट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है लेफ्ट हैंड के साथ, उसका वो ज़्यादा नज़दीक है, तो ये प्रक्रिया में हार्ट पर ज़्यादा जोर आएगा, वजन आएगा और मसल्स ज़्यादा प्रभावित होंगे हार्ट के। और इसका सब्सिडरी इफेक्ट देखें तो जो बैकबोन है, रीढ़ है, उस पर भी इतना ही प्रभाव आता है धीरे धीरे। ये प्रक्रिया अगर आप ठीक से कर रहे हो तो पूरे शरीर में इसका प्रभाव आएगा, एक्टिव होगा, पूरा शरीर का जितने मसल्स है सब फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रक्रिया के बाद बैलेंस होना जरूरी, सांस उच्छ्वास सामान्य होना चाहिए, जब तक प्राकृतिक न हो सांस उच्छ्वास दूसरी प्रक्रिया शुरू न करें। जो पहली प्रक्रिया है जो हार्ट के साथ जुड़ती है, तो पहली प्रक्रिया में हार्ट के मसल्स इम्बैलेंस प्रभावित होते हैं, इम्बैलेंस, क्योंकि एक बार हम राइट पंजा लड़ाते हैं, एक बार लेफ्ट पंजा लड़ाते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है इस तरह की है, एक बार मेरा प्रतिस्पर्धी के हाथ बाहर रहेंगे, मेरे हाथ भीतर रहते हैं, प्रक्रिया इस तरह की है। दूसरी, मैं जो मेरा भीतर से जो काम कर रहा है, मैं भीतर से काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ भीतर से काम कर रहे हैं, तो मैं उसे बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करूँगा और वो मेरे हाथ भीतर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। अब ये जो प्रक्रिया है, उसकी बाहर के मसल्स के ओर से देखें तो दोनों शोल्डर, कोहनी और पंजे के मसल्स है, जो भी जहाँ भी मसल्स है, जॉइंट्स है, उस पर खूब प्रभाव आता है इस प्रक्रिया का। इसके साथ साथ जो हार्ट के मसल्स है, दोनों राइट हैंड साइड जुड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा हुआ, ये दोनों मसल्स है, पूरा का पूरा हार्ट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसके जो मसल्स है सूक्ष्म मसल्स, इस पर इसका महत्तम मैक्सिमम जोर आता है, मैक्सिमम भार आता है और प्रभावी होते हैं। ये ऐसी दो प्रक्रिया है कि इसको अगर ठीक से की जाए, आप समझते जाओ इस प्रक्रिया को, ठीक से इसे उतरते जाओ, हार्ट अटैक संभव ही नहीं, हार्ट की कोई बीमारी आपको होनी संभव ही नहीं, मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। और जितनी आपकी क्षमता है, प्रतिस्पर्धी ऐसा खोजना है कि जो आपके साथ आपकी बराबरी का हो और आपके साथ आपका शरीर ठीक से समझ सके, आपकी शक्ति ठीक से समझ सके, इस तरह से हो सके तो एक ही प्रतिस्पर्धी के साथ पहले काम करना है, ठीक से आपका शरीर बैलेंस हो जाए फिर आप बदलते रहो। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें पूरा हार्ट प्रभावित होता है, पूरा हार्ट, हार्ट के सारे मसल्स और बैलेंस दोनों साइड काम होता है। जो पहली प्रक्रिया है इम्बैलेंस है, जब राइट वर्क करता है मसल्स, लेफ्ट इतना नहीं करता, लेफ्ट करता है तो राइट इतना नहीं करता, बैलेंस होता है, दोनों बैलेंस करते हैं, लेकिन बैलेंस प्रक्रिया नहीं है। जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मसल्स से एक साथ प्रभावित होते हैं। और ये ऐसी प्रक्रिया है, अगर ठीक से की जाए तो बाहर से जो परिस्थितियों के शौक आते हैं हमारे ऊपर, या व्यक्तियों के शौक आते हैं हमारे साथ, उसके व्यवहार के शौक आते हैं, इसका धक्का इतना नहीं लगेगा जितना आपके हार्ट मसल स्ट्रांग होते जाएंगे। भौतिक रूप से आपके हार्ट के मसल्स जितने स्ट्रांग होते जाएंगे, परिस्थितियों का प्रभाव उतना नहीं रहेगा। प्रक्रिया इस तरह से। ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, जिसके हाथ भीतर है उसके बदले जिसके हाथ बाहर है उसको स्ट्रेन हार्ट पर ज्यादा आएगा।
और जब भी कोई भी प्रक्रिया पूरी हो, इसके बाद का जो नमस्कार है उसमें हमें ये देख लेना है विचार की श्रृंखला किस तरह के विचार रहे, खास करके जय पराजय ये खास देखना है कि जीत का भाव, अगर आप जीत जाओ तो देखो भीतर की जीत का भाव है अभी कि नहीं है, हार जीत का भाव भीतर काम कर रहा है कि नहीं। हार जीत का भाव है तो अभी मन है, अभी भीतर एक प्रतिस्पर्धा है, तो वो है कि नहीं उसे ठीक से देखना है। शरीर की संवेदना किस तरह की संवेदना आई, फ्रेशनेस लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि फ्रेशनेस दिखा रही है कि तुम्हारा जो भीतर के मसल्स है एक्टिव हो रहे हैं, पुराना जितना भी विषाक्त द्रव्य है वो शरीर से बाहर जा रहा है पसीने के मार्फत या उच्छ्वास के मार्फत, तो ये भी देख लेना है। और टाइप ऑफ मूड की कैसा लग रहा है, क्योंकि प्रसन्नता जो आत्मा का लक्षण है, प्रसन्नता आनंद विस्तार शांति। इस तरह से नमस्कार करना है, एक सांस उच्छ्वास पर ध्यान सामान्य होना चाहिए, शांत। इसके बाद ध्यान को ले जाना है त्रिनेत्र पर दो भ्रमर के बीच, तीन बात का दर्शन करना है, विचार की श्रृंखला, टाइप ऑफ मूड भाव दशा और शरीर की संवेदना। आंख खोलने से पहले आंख आधी बंद आधी खुली और नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करना है आंख खोलने से पहले। द्वंद्व युद्ध एक दिव्य कला, दो प्रक्रियाएं हमने देखी, तीसरी प्रक्रिया का डेमोंस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ। तीसरी प्रक्रिया का हम बहिर्गामी रूप देखे तो इस तरह से है, जैसे कि मेरा लेफ्ट शोल्डर, प्रतिस्पर्धी का भी लेफ्ट शोल्डर आएगा इस तरह से, एक दूसरे दोनों हाथ आदर्श स्थिति है, दोनों हाथ पीछे रहने चाहिए, आदर्श स्थिति होगी दोनों हाथ पीछे रहने। अब देखोगे तो इस प्रक्रिया में पूरी रीढ़ की हड्डियां, जितनी भी रीढ़ है ये इसका मुख्य केंद्र है, एक है रीढ़ की हड्डी, जब फोर्स लगेगा पूरा जो नीचे के पैर है, कमर से नीचे के पूरा पैर का पोर्शन है और वो भी पीछे का हिस्सा, वो जाएगा रेत में, जो पंजा है वो रेत में गड़कर बल लगाएगा, पूरा शरीर का जो फोर्स है वो पंजे से ऊपर आएगा और रीढ़ की हड्डी पर ज्यादा वेट आएगा। देखना ये जो रीढ़ की हड्डियां है इस प्रक्रिया के कारण लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, खाली रीढ़ की हड्डी नहीं, ये रीढ़ को संभालने वाले आसपास के मसल्स है, पूरे आसपास के मसल्स है वो भी इसके कारण लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, एक एक पार्ट ये फ्लेक्सिबल होता है और पैर का जो पीछे का हिस्सा है वो जनरल हमारी प्रक्रियाओं में पैर का जो पीछे के मसल्स है वो इतने डेवलप नहीं होते, तो इस प्रक्रिया में पैर के पीछे के मसल्स डेवलप होते हैं और उसके कारण बोन का प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। देखिए प्रक्रिया, देखे रीट,
जब सांस बहुत फूल जाए इस तरह से रिलैक्स करना है। सर का पोर्शन थोड़ा ऊपर रखना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, सांस को नाक से लो, उच्छ्वास को मुंह से छोड़ो। कोई भी एक्सरसाइज में जब सांस फूल जाए तो इस तरह से भी रिलैक्स कर सकते हो। सांस को पूरा सामान्य हो जाने देना है, प्राकृतिक शांत। आगे की प्रक्रिया में उतरे उससे पहले पूरा दर्शन विचार की श्रृंखला का अगर है, भाव दशा अगर है, शरीर की संवेदना, समझो कि इस प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रिया हो, यौगिक कोई भी प्रक्रिया हो, इसमें अगर आपको पेन हो रहा है तो जब आप आंख बंद करें पेन पर ध्यान दें, पेन की जो संवेदना है उसका दर्शन करें ठीक से। अब यही प्रक्रिया राइट शोल्डर के साथ। अब ये जो फोर्स लगता है जो बैक का, उसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने हमारे ऑर्गन्स है, जो चेस्ट समझ लो कि हृदय है, हार्ट है, और भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके साथ जुड़े हुए सारे ऑर्गन जैसे कि लीवर है, पेंक्रियाज है, किडनी है, ऐसे जो भी ऑर्गन्स है उसके बैक मसल्स तैयार होते हैं। इसमें जनरली हम जो पूरा दिन काम करते हैं या ठीक से अगर आप वैज्ञानिक रूप से एक्सरसाइज नहीं करते तो बैक के मसल्स तैयार नहीं होते। और बैक का खाली बाहर का मसल्स नहीं करना है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो ऑर्गन्स के पीछे के मसल्स है, जहाँ से ऑर्गन संभलता है, हमारे अंदर जो अवयव है वो संभलता है, उस मसल्स को तैयार करना है। हार्ट का बैक मसल्स तैयार करना है, किडनी का बैक मसल्स तैयार करना है, ये इस प्रक्रिया से तैयार होते हैं, इसका वैज्ञानिक रूप जानना है। और फोर्स पूरा पंजे से आना चाहिए, फोर्स तुम पंजा को रेत में गड़ाओ और पंजे से फोर्स पैदा करो। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांस फूल जाती है, तुम चेस्ट को नीचे कर दो तो हार्ट पर कम बर्डन आएगा, हार्ट पर। क्योंकि जब सांस फूलती है तो हार्ट पर भी इतना ही वेट आता है, उसका पंपिंग बढ़ जाता है, तो इस प्रक्रिया के कारण, इस स्थिति के कारण कम फोर्स आएगा। जब भी कोई भी प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद शक्ति को अंतर्मुख करना जरूरी। अगर तुम अंतर्मुख न कर सके तो ये दिव्य क्रिया नहीं की जा सकती। और इसके जरूरी जो स्टेप्स है वो है, एक दो सांस उच्छ्वास जब तक सामान्य न हो ध्यान सांस उच्छ्वास पर दो। जैसे सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाए एक बार ध्यान ले जाए त्रिनेत्र पर, तीन चीज देख ले, विचार किस तरह से चल रहे हैं,
भाव किस तरह का भाव है, टाइप ऑफ मूड और शरीर की संवेदना। अगर शरीर में कहीं भी पीड़ा है तो पीड़ा को देख लेना है, पीड़ा से बचना नहीं है, पीड़ा को जानना है। एक ये बात, जब आँख खोले तब इस तरह से खोले, पहले जो नासिका का अग्रभाग है उसे ठीक से देखना है, नासिका का अग्रभाग, उतनी आँख खोले जिससे आप नासिका का अग्रभाग देख सको, फिर आँख को खोल दे। तो इसके बाद की जो प्रक्रिया है पूरी ध्यानस्थ हो जाएगी। अगर ठीक तरह से आप दो प्रक्रिया के बीच का ध्यान संभालोगे तो दूसरी प्रक्रिया खाली फिजिकल नहीं है, ये प्रक्रिया आपको ध्यान में उतरना है। प्रक्रिया तो नेक्स्ट प्रक्रिया, प्रक्रिया नंबर चार इस तरह से है, समझ लो कि पेट है, उछवास बाहर निकालकर पेट स्ट्रॉन्ग करो। देखो अगर आप पेट देखोगे, ये मसल्स है, ये मसल्स, ये हड्डी नहीं, पेट का ये जो पूरा पेट आप देखो, यहाँ से पूरा कमर, कमर का भाग और पीठ का भाग, इसमें हड्डी नहीं, कहीं भी हड्डी नहीं, ये पांचड़ी का भाग है, ये पांचड़ी का भाग, ये पूरा हो जाता है। इसके बाद पूरा एब्डोमिन है, ये पूरा एब्डोमिन है, तो ये है, इसका मसल्स तैयार करना है। अगर ये मसल्स तैयार ना हुआ बचपन में तो क्या होता है, आंत का फोर्स लगता है भीतर से और आपका पेट बड़ा 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 होता जाता है। अब ये जो पेट बड़ा होता जाता है उसका वेट आता है घुटी पर, तो धीरे धीरे घुटी खलास होती जाती है, जैसे उम्र बढ़ती है और पेट बढ़ता है, उम्र के साथ पेट नहीं बढ़ना चाहिए, और बढ़े तो भी इसके मसल्स होने चाहिए। पहलवानों के आप पेट देखो तो उसमें मसल्स होते हैं, वो खाली पेट नहीं होता है, समझ जो कि आप उसे मुक्का मारो तो पेट के मसल्स उसको रोक लेंगे, शौक भीतर नहीं जाएगा। तो इससे पता चलता है, देखो ये मसल्स है, ये सारे मसल्स ये तैयार होने चाहिए मसल्स, और ये एक्सरसाइज ठीक से समझते जाओ तो अपने आप तैयार होता है। आगे की प्रक्रिया है, जैसे मैं मेरा सर पेट में रखता हूँ, आदर्श स्थिति ये है, एक खाली सुन लो, मैं मेरा सर पेट में रखता हूँ, प्रतिस्पर्धी के पेट में। अब मुझे जो फोर्स लगाना है पूरा फोर्स, आदर्श स्थिति ये है कि मेरे दो हाथ पीछे आएंगे और मैं, अगर समझो कि मेरा सर हिल गया, हिल रहा है, इसके पेट में हिल रहा है, तो पोजीशन ठीक से लेनी है, पोजीशन, क्योंकि मुझे जो पूरा फोर्स लगाना है वो स्कल के साथ लगाना है, स्कल जो ऊपर का हिस्सा है पूरा शरीर का, जो हम जनरली जो हमारा रूटीन है उसमें इसका उपयोग नहीं होता, तो पूरा का पूरा फोर्स आपको ले जाना है स्कल में, स्कल से पूरा शरीर का फोर्स स्कल से निकलेगा, एक भाग ये है। दूसरा इसमें जो मेन भाग है वो है आपकी गर्दन की, गर्दन के जो मसल्स है उसमें भी हड्डी नहीं होती, जो गर्दन के मसल्स होते हैं उसमें भी हड्डी नहीं होती, डायरेक्ट जो पीछे का जो बैकबोन है, जो रीढ़ है उसके ऊपर की हड्डियाँ आती है, बाकी यहाँ पूरे जो पूरा हिस्सा है इसमें भी कोई हड्डी नहीं है। तो ये जो मसल्स है गर्दन के मसल्स वो भी इस प्रक्रिया में तैयार होते हैं। एक तो पूरा फोर्स जो ऊपर का स्कल है, वो जब पूरा फोर्स आप ऊपर ले जाते हो तो स्कल का जो सर्कुलेशन है वो जनरली इतना होता नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में स्कल का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एक ये पॉइंट, और जो गर्दन के मसल्स होते हैं वो तैयार होते हैं इसमें, ये प्रक्रिया का उद्देश्य। इस तरह से करें प्रक्रिया, समझ लो इस प्रक्रिया के बाद अगर तुम्हें वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या पेट में पेन जैसा लग रहा है तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं, इतना ही है कि अभी मसल्स तैयार नहीं, उसे ठीक से तैयार करना है, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा फोर्स बढ़ जाएगा, तो पूरा फोर्स है प्रतिस्पर्धी का वो स्कल से आएगा, स्कल से पूरी खोपड़ी के साथ फोर्स आएगा पेट में। तो अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स हो जिसमें पेट में पेन हो रहा है तो उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना है, उतना ही समझना है कि अभी मसल्स तैयार नहीं।
हाथ पीछ इस लॉब से नहीं बस चलो शुक्रा मारु भाषण स्थान पर हम समझने जा रहे हैं द्वंद युद्ध की पांचवी प्रक्रिया इस तरह से कि हम प्रतिस्पर्धी के साथ इस तरह से शुरू करेंगे। प्रक्रिया को इस तरह से लेंगे जिसमें दो पंजे ऊपर की ओर से प्रारंभ होंगे और फिर मुझे इसको इस दिशा में इसके शरीर को ले जाना, प्रतिस्पर्धी मेरा शरीर मेरी दिशा में ले जाने का प्रयत्न करेगा। ये प्रक्रिया ठीक है। इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो पूरे बैक के मसल्स से पूरे बैक के कंप्लीट बैक, ये ऐसी प्रक्रिया है हम करते फ्रंट में है, शक्ति फ्रंट लगाते हैं सामने की ओर से लगती है, लेकिन पूरी ताकत जो आती है क्योंकि दोनों पैर धरती में रहेंगे रेत के साथ उसमें अड़े रहेंगे, उसमें से एनर्जी ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर। तो पूरा बैक है जिसे हम तीन हिस्सों में बांटे तो ऊपर की गर्दन तक का एक भाग, कमर तक का दूसरा भाग और कमर से नीचे का तीसरा भाग, पूरा का पूरा बैक और खास करके रीढ़ के साथ जुड़ी हुए सारे मसल्स, इसकी जितनी भी शक्ति है वो प्रभावित होती है इस एक्सरसाइज के साथ, और ये शक्ति ऊपर आने का प्रयत्न करती है, ऊपर की ओर जाती है। इसलिए पंजा है वो प्रारंभ करना है, जब प्रक्रिया का प्रारंभ हम करेंगे ऊपर से करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप ताकत लगाते हो तो वो फ्रंट आ जाता है, जो ये प्रक्रिया है उसमें पंजा है वो फ्रंट आ सकता है क्योंकि फिर ताकत ही है, लेकिन प्रभावित होगा बैक, पूरा बैक, बैक मसल्स सारे प्रभावित होंगे और उसकी शक्ति आगे आने का प्रयत्न करेगी। जितने भी ऑर्गन्स है, अगर फिजिकल रूप में देखें, शारीरिक रूप में देखें, तो जितने ऑर्गन्स है शरीर के, लीवर, हृदय, किडनी, जितने भी उसके बैक मसल्स, उसकी एनर्जी फ्रंट सामने की दिशा में आने का प्रयत्न करती है, तो उसके कारण जो पीछे के मसल्स है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्थितिस्थापकता है बढ़ जाती है। प्रक्रिया को देखें, ये प्रक्रिया हम इस तरह से करते हैं ताकि आपको बैक का मसल्स पता चले। किस तरह से देखो, पूरा पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर तक आप देखो पीठ किस तरह से काम करती है। Thank you.
और जब तक लगे कि ताकत है पूरी निकालनी है। देखो अभी मैं बोल सकता हूँ तो मेरे भीतर ताकत है अभी। कोई भी एक्सरसाइज में सांस जब फूल जाए तो इस तरह से रिलैक्स करें शरीर को। द्वंद्व युद्ध की आगे की प्रक्रिया देखें, सातवीं प्रक्रिया। इस प्रक्रिया इस तरह की है, प्रक्रिया इस तरह से करेंगे। पीठ प्रतिस्पर्धी के साथ पीठ आएगी, दोनों हाथ को जुड़े रखना है आगे की ओर, हाथ का सहारा नहीं लेना है, हाथ से हाथ छोड़ के ताकत नहीं लगानी, हाथ को बंद कर देना है ताकि जो पीठ की एनर्जी है पूरी पीठ प्रभावित हो। और इस प्रक्रिया में ऐसा होता है जो फ्रंट बॉडी है, पूरा फ्रंट बॉडी तीन हिस्सों में हम देखें, ऊपर का गर्दन तक का एक बार ये एनर्जी अलग रहती है, गर्दन से लेके कमर तक ये एनर्जी का दूसरा क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र कमर से लेकर पैर तक, इस तरह से तीन हिस्सों में अंदर की एनर्जी बढ़ती। जब ये ताकत लगाएगा देखना आप, इसके फ्रंट मसल, ये एनर्जी फ्रंट से बैक आती है, फ्रंट से बैक आती है, जिस तरह से आगे की प्रक्रिया में बैक से फ्रंट जाती है, पीठ से आगे की ओर जाती है, इस प्रक्रिया में इससे उल्टा होता है कि आगे के जो एनर्जी है मसल्स की, जितने भी मसल्स है आगे के शरीर में, जितने मसल्स है उसकी एनर्जी पीछे की ओर जाती है, बैक की ओर जाती है, तो जो आगे की मसल्स है उसके फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती जाती है। देखिए आप इसका आगे का शरीर जब वो ताकत लगाता है, और ये प्रक्रिया ठीक से की जाएगी तो पूरे शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मसल्स की स्थिति स्थापकता है वो बढ़ जाती है, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर इसमें ध्यान रखना है वो ये है, समझ लो कि आप पांचवी प्रक्रिया ले रहे हो, पांचवी रोज प्रक्रिया इस तरह से ली जाती है कि शरीर की ताकत कितनी है और कितनी जरूरत है शरीर को। अगर आप पांचवी प्रक्रिया ले रहे हो जिसपे पंजा आगे से आपको अभी दिखाई मैंने पांचवी प्रक्रिया, तो पांचवी प्रक्रिया की पैर ही है छठी प्रक्रिया, ये दोनों साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप पांचवी प्रक्रिया ले रहे हो और छठी छोड़ रहे हो तो अधूरा काम हो रहा है। पूरा जो ऑर्गन्स है, जितने ऑर्गन्स है
उसके चारों ओर के जो मसल्स है आप दो प्रक्रिया कर लो, तो जितने शरीर में मसल्स है कंप्लीट मसल्स आगे पीछे ऑर्गन्स के, वो सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है। द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया का क्रमांक 7, सातवीं प्रक्रिया जो है वो है गिरना और गिराना। ये जो प्रक्रिया है उसका केंद्र ये है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हड्डी वीक होती जाती है, और हड्डी को संभालने वाले मसल्स है पूरे शरीर में, ऑर्गन्स को संभालने वाले मसल्स है पूरे शरीर में। तो एक दृष्टिकोण है इस एक्सरसाइज का कि जो हड्डी के साथ मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ऐसे स्ट्रॉन्ग कि जैसे हम जब गिरते हैं तो उसका पहला शॉक आता है मसल्स पर। अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है हमारे शरीर के तो हड्डी पर वो शॉक जाता नहीं। हड्डी पर या ऑर्गन पर जब शॉक जाता है वो कब जाता है कि जब हमारे मसल्स है जो संभालने वाले हड्डी को और ऑर्गन्स को वो वीक है तो शॉक हड्डी पर जाता है। जब हम गिरते हैं तो शॉक अगर हड्डी पर जाता है और हड्डी उसे संभाल नहीं सकती, बढ़ जाता है शॉक, उसकी शक्ति बढ़ जाती है तो हड्डी टूट जाती है। लेकिन अगर मसल्स स्ट्रांग है, पूरा शॉक एब्जॉर्ब करने वाले हैं मसल्स, तो हड्डी पर वो शॉक जाता नहीं। तो एक इसका कारण है कि जो हड्डी का लचीलापन है वो हमारे मसल्स के साथ उसको लेना देना है। खाली कैल्शियम खाने से कुछ नहीं होता, कैल्शियम ज़रूर खाए लेकिन खाली कैल्शियम से कुछ नहीं होता। जो हड्डी संभालने वाले मसल्स है, ऑर्गन संभालने वाले मसल्स है, वो मजबूत होने चाहिए। एक ये इसका दृष्टिकोण है। किस तरह से, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम गिरते नहीं, हमारा जो बैक बेंडिंग है वीक हो जाता है। तो ये प्रक्रिया में जो बैक बेंडिंग है वो सक्रिय होता है, तो पूरे मसल्स इससे सक्रिय होते हैं। किस तरह से करनी है ये प्रक्रिया, और समझ के संभल के इस प्रक्रिया में अपनी उम्र अपने शरीर की ताकत ये समझ के इस प्रक्रिया में उतरना है, इस तरह से प्रक्रिया करनी है। पहली बात धीमे थी हमारे वस्तु सुन, गिराना इस तरह से है, इसे क्रॉस ले और ऊपर से। अब जिसका शरीर बेंडिंग के लिए इतना तैयार नहीं उसे प्रतिस्पर्धी का हाथ पकड़ लेना है। अब इसका तैयार है तो पहले मैं डायरेक्ट गिराता हूँ, देखो डायरेक्ट भी जा सकते डायरेक्ट, क्योंकि मसल्स तैयार है। जिसका शरीर अच्छा है वो पांच बार से ज्यादा कभी नहीं, इतना काफी मसल्स की एक्सरसाइज के लिए। और जो शॉक आता है जब तुम गिरते हो और शॉक आता है वो पूरा एब्जॉर्ब होने दो, पूरा शरीर में एब्जॉर्ब होने दो, ताकि जो मसल्स है वो तैयार होते हैं। शॉक जब आता है, तुम गिरते हो और शॉक आता है तो उससे मसल्स तैयार होते हैं, तुरंत जाग नहीं जाना। एक इस तरह से भी किया जाता है, जिसका तैयार है बैक डायरेक्ट ये प्रक्रिया न करे, लेकिन जो तैयार है जिससे एक्सरसाइज की है या मसल स्ट्रांग है अपनी शक्ति से, जो परिचित है शारीरिक शक्ति से, वो कर सकते हैं। और जिसके समझ लो कि मसल सभी तैयार नहीं है वो इस तरह से पकड़ लो, हाथ पकड़ लो ऊपर बने देव
इसे इस तरह से गिरना है, गिरना है और उठ जाना, गिरना है उठ जाना है। एक साइड की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, फिर से ध्यान रख। एक साइड की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, सांस उच्छ्वास सामान्य हो जाने दे और भीतर तीन बातों का दर्शन, विचार भाव शरीर की समझना। फिर दूसरी साइड, डायरेक्ट जिसकी क्षमता है वो डायरेक्ट बिना आधार के खड़ा होना है। धक्का पूरा एब्जॉर्ब होने देना है, धक्का, ये खास समझे। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी एक बार गिरे तरत इस तरह से नहीं करना, क्योंकि इसमें बड़ी उम्र में क्या होता है कि बीपी पर भी इसका असर आता है, ब्लड प्रेशर है उस पर भी असर आता है। तो कई बार आप जल्दी प्रक्रिया करने जाते हो तो हेडेक हो जाता है या छाती में पेन होता है, तो उसका और कोई कारण नहीं, जल्दबाजी। इस तरह से तीन बार किया जाता है। अब प्रतिस्पर्धी मेरा शरीर भी, अब देखो आज जैसे समझ लो कि मेरा पैर है, राइट पैर, वो इतना तैयार नहीं, तो अगर वो मुझे डायरेक्ट गिराएगा तो मेरा शरीर इतना तैयार नहीं, तो किस तरह से गिरना है मुझे देखो। इसमें भी समझ लो कि हेडेक जैसा लगे या थकान जैसा लगे, शरीर को आगे कर दो। प्रक्रिया आठ की ओर जाते हैं। प्रक्रिया आठ है जिसमें प्रतिस्पर्धी के साथ कुश्ती करना है, दोनों एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करेंगे। अब इसका जो आध्यात्मिक केंद्र है वो ये है कि जो इससे आगे की सारी प्रक्रिया है उसमें अलग अलग केंद्र पर, अलग अलग केंद्र प्रभावित होते हैं और अलग अलग केंद्र अपनी ओर से शक्ति को प्रज्वलित करते हैं, जो शक्ति के केंद्र है। ये जो प्रक्रिया है इसमें सारी जो शक्ति केंद्र है उसकी जो शक्ति प्रज्वलित होती है उसे सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, वो एक दूसरे के साथ जैसे दोस्ती बनाती हो इस तरह से सारी शक्तियाँ एक दूसरे के साथ मिलजुल जाती है और पूरे शरीर में मिल जाती है। जो शक्ति का जो प्रज्वलित होती है जो शक्ति, वो पूरे शरीर के जो मसल्स है, शारीरिक तल पर भी देखे तो जितने मसल्स है शरीर के, क्योंकि तुम एक जीवंत व्यक्ति के साथ ये प्रक्रिया करनी है, तो उसकी जो शक्ति है उसके साथ तुम्हें अपनी शक्ति को जगाना होगा। तो इस तरह से जो सुप्त शक्ति है भीतर की वो जागती है और एक ही बार करनी है ये प्रक्रिया, क्योंकि ये हम खाली शारीरिक तल पर नहीं जा रहे, शरीर से हमें जाना है आत्मा की ओर, भीतर के दर्शन की ओर। प्रक्रिया को इस तरह से करना है,
जैसे कि मेरा एक हाथ कमर पर आएगा, इसका भी एक हाथ कमर पर आएगा, ठीक है, एक हाथ बाहर से आएगा इस तरह। अब ये मुझे गिराने का प्रयत्न करेगा, मैं उसे गिराने, दोनों को गिरना तो है ही, वो मुझे गिराया मैं उसे गिरा। फकीरा मेरी हार हुई है, ठीक से चेहरा ले ले। बहुत अच्छा गिरा गया। फिर गिरने में भी एक आर्ट आ जाती है, कला आ जाती है, किस तरह से गिरना है, पूरी प्रक्रिया इस पर है। तो जैसे जैसे आप गहराई में करते जाओगे प्रक्रिया, द्वंद्व और अंतिम प्रक्रिया है वो है जिस प्रतिस्पर्धी के साथ अपने द्वंद्व युद्ध किया उसके साथ कितनी मित्रता हुई, आखिर में तो मित्रता की ओर जाना है। तो ये नौवीं प्रक्रिया है, वो है सबको जानना है, क्योंकि ये कमर का जो रिलैक्सेशन है उसके लिए उत्तम एक्सरसाइज है। इस तरह से जाना है, शरीर को इस तरह से उठाना है, किस तरह से उठाना है वो भी कहूँ, जो कमर का नीचे का हिस्सा है वहाँ शरीर को इस तरह से ले जाना है ताकि वो शरीर पूरा हम, और जो ऊपर का शरीर है उसे पूरा रिलैक्स होना है, पूरा आंखों को बंद रखना है, आंखों को बंद रखना है, और जो जैसे कि ये मेरा शरीर है वो थोड़ा हिलेगा, ऊपर नीचे ले जाना है ताकि जो कमर का फ्लूइड होता है, ब्रेन के आसपास फ्लूइड होता है, उसमें हल्का सा कंपन आता है, और इसके कारण जो शोक है हमारे बाहर से आते हैं व्यक्तियों द्वारा परिस्थितियों द्वारा, वो झेलने की क्षमता बढ़ती है इस प्रक्रिया से। पूरा रिलैक्स करना है शरीर, ऊपर पूरा रिलैक्स करना है, और इसमें जो जो शरीर उठाता है उसका भी एक संतुलन आता है। इस तरह से इसके कारण घुटनों के मसल्स भी तैयार होते हैं। आगे की ओर चुप जाए। जिसका शरीर ऊपर है वो तो दोनों ओर बेंडिंग होगा कमर का, खास करके तो जो पीछे का बेंडिंग है वो ठीक से समझना है। इसी तरह से ये मेरा शरीर उठाएगा,
यहाँ पर द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया समाप्त होती है। इसको इस तरह से समझना है, प्रक्रिया को किस तरह से करना है। जैसे कि आपकी शरीर की क्षमता अच्छी है और आप सब प्रक्रिया कर सकते हो तो 9 प्रक्रिया करें, लेकिन समझ लो कि आपके शरीर की शक्ति अच्छी नहीं, आपको लगता है कि नहीं 2 प्रक्रिया हो सकती है, तो आप इस तरह से चुनना। अगर 1 ले प्रक्रिया नंबर 1 तो 1-7 में ले तो उसका जो हार्ट केंद्र है तो उस पर ठीक असर आता है। समझ लो कि आप 3 ले तो 3-4-7 में ले, 5 ले तो 5-6-7 में ले, 7 ले तो 7-8-7 में ले। कम से कम 2 प्रक्रिया करनी, कम से कम। बाकी दो से अगर आगे जाना है, आपको लगता है कि नहीं 2 नहीं अभी आगे हो सकती है प्रक्रिया, तो 4 ले, 2 या 4 या 6 या 8, और 9वीं ये प्रक्रिया तो लेनी है। प्रक्रिया आप कोई भी लो, समझ लो कि आप 2 प्रक्रिया लो तो भी जो 9वीं प्रक्रिया है जिसपे कमर को रिलैक्स करना है वो तो समझना ही है और समझाते जाना है जो भी हमारे संपर्क में आती है। लिख ला।